नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं पेरोल के बारे में। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप ज़रूर मिलती होगी, जो कि अगर आप कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे सैलरी स्लिप ज़रूर मांगी जाती है। यही सैलरी स्लिप आपकी किस तरह से बनाई जाती है वही पेरोल कहा जाता है। यानी बड़ी कंपनियां अपने सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी जब टैली में बनाती हैं तो उसी को पेरोल कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम दे देते हैं पेरोल। पेरोल के नाम से हम एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर स्टेट लेना है अपना, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर टैली। टैली लेने के बाद आप बाकी फर्दर डिटेल्स फिल कर सकते हैं इसकी। हम इसे सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा, इसको भी आप कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। इसके सेव करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें सीधे जाना है अपने वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F10। F10 प्रेस करने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर शो इन एक्टिव पे और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा पेरोल वाउचर्स का। इसके अंदर से जाकर के आपको यहाँ पर पेरोल को क्लिक करना होगा, यानी पेरोल पे एंटर प्रेस करना होगा और आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसको आपको अनेबल करना होगा, यानी इस पे हम यस प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे पेरोल वाउचर आपका एक्टिव हो गया। अब पेरोल वाउचर हमारा एक्टिव हो गया तो अब हम दूसरा काम करते हैं। अब हम स्कैप करके एक बार पीछे चले जाते हैं। स्कैप करके पीछे जाने के बाद अब आपको जाना होगा क्रिएट के अंदर और क्रिएट में आप देखेंगे यहाँ पर आपका पेरोल मास्टर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप्स तैयार करेंगे, तो हम चले जाते हैं एम्प्लॉय ग्रुप्स के अंदर। और एम्प्लॉय ग्रुप में आपको बता दूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, जैसे कुछ मार्केट डिपार्टमेंट्स के, कुछ सेल डिपार्टमेंट्स के, और उन मार्केट डिपार्टमेंट में मान लीजिए 10 बंदे काम करते हैं, सेल डिपार्टमेंट्स के अंदर 10 बंदे काम करते हैं, तो उसी को ग्रुप कहा जाता है। तो चलिए हम दो ग्रुप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं एक सेल्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की हमने एक बना लिया और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। यहां पर आपको डिफाइन सैलरी अभी नो ही रखना है, आपको सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। और एक हम बना देते हैं मार्केट डिपार्टमेंट, और इसके बाद भी हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर इसको फिलहाल नो ही रखना है और एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। यहाँ पर आपका जो दूसरा काम होगा वो आपका होगा यूनिट्स, यानी वर्क तैयार करना। तो यहाँ पर आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको जो सिंबल है यहाँ पर आपको बनाना होगा मिनट्स, यानी MIN सिंबल देना होगा और यहाँ पर आपको उसकी फुल फॉर्म लिख देनी है, जैसे मैं लिख देता हूँ। और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना और सिंपल एंटर करके आप इसे सेव कर दीजिए। इसके बाद जो दूसरा सिंबल है वो तैयार कर लीजिए HRS, यानी आवर्स का। यहाँ पर आप उसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए और इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करा के सेव कर दीजिए। यानी दो सिंबल्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब आपको जाना है टाइप के ऊपर और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कंपाउंड। कंपाउंड सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आवर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डाल देंगे 60, यानी कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। हम इसको डिफाइन कर देंगे और एंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। अब आ जाइए स्कैप करके आप पीछे। इसके बाद अब आपका जो तीसरा काम है वो है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का। हम अब अटेंडेंस तैयार करेंगे, तो इसके ऊपर आप चले जाइए और यहां पर आप अटेंडेंस बना लीजिए। जैसे मैं बना लेता हूं एक लीव, और लीव को हम प्राइमरी में डालेंगे और यहां पर आपको रखना है लीव विदाउट पे। इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम लीव को यूज करेंगे तो लीव की जो सैलरी है वो एम्प्लॉय को नहीं दी जाएगी, तो इसलिए हम यहां पर रखेंगे लीव विदाउट पे और इसको हम डेज के अंदर रख करके एंटर करके सेव कर देंगे। जो डेज होगा वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा, आपको सिर्फ एंटर करके सेव करना है। इसके बाद आप दूसरा बना लीजिए ओवरटाइम का, और ओवरटाइम को भी आप प्राइमरी में रखिए और यहां पर आप लेंगे ओवरटाइम को प्रोडक्शन के अंदर, यानी जब भी ओवरटाइम लिया जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्शन होगा, तो इस वजह से इसको हम प्रोडक्शन के अंदर रखेंगे। और यहां पर आप लेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, यानी जब भी ओवरटाइम पर्सन लगाएगा, यानी जब भी आपका कोई एम्प्लॉय ओवरटाइम लगाएगा तो घंटे के हिसाब से उसको सैलरी दी जाएगी, तो इसलिए हम यहां पर रखेंगे आवर्स ऑफ 60 मिनट्स और इसको एंटर करके हम सेव कर देंगे। तो हमारा तीसरा काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जाना है अपने पेहेड्स के अंदर, यानी अब हमें अपने पेहेड्स तैयार करने हैं, तो चले जाइए पेहेड्स में। पेहेड्स में जाने के बाद सबसे पहला जो पेहेड आपका बनेगा वो बनेगा बेसिक सैलरी का, तो यहां पर बना लीजिए बेसिक सैलरी। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको रखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। यहां पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आप क्यों देंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी जो एम्प्लॉय होता है उसकी अर्निंग होती है, तो यहां पर हम इसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय के अंदर रखेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक आ रहा है आपका फिक्स और दूसरा आ रहा है वेरिएबल।
फिक्स, इसका मतलब ये कि आपकी कंपनी आपको जो सैलरी देती है वो फिक्स देती है, और वेरिएबल का मतलब होता है ये सैलरी आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर, तो यहाँ पर जो सैलरी है हमारी वो फिक्स है, तो हम यहाँ पर फिक्स रखेंगे। अब यहाँ पर आपको देना है कि कंपनी का ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंपनी आपको सैलरी मंथली देती है या पर डे के हिसाब से या वीकली के हिसाब से देती है, तो ये सैलरी मान लीजिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, कि जो हमारी बेसिक सैलरी है वो महीने में हमें मिलती है, तो हम यहाँ पर इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़ना नहीं है, आपको नीचे आ जाना है सीधे कैलकुलेशन टाइप के अंदर, और यहाँ पर आप रखेंगे एज यूजर डिफाइन वैल्यू, यानी यूजर डिफाइन करे कि इसकी सैलरी कितनी है, तो यहाँ पर हम इसे सिंपल एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे दूसरा पे है डीए का, डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, तो यहाँ पर हम इसे भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही रखेंगे, क्योंकि ये भी एम्प्लॉयज की अर्निंग ही होती है। यहाँ पर आप इनकम टाइप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, फिक्स या वेरिएबल, तो हम यहाँ पर फिलहाल इसे फिक्स ही रखेंगे। और इसके बाद हम इसे लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमें ये मंथली रिसीव हो रहा है, तो हम यहाँ पर मंथली के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखेंगे। और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, जो इसका कैलकुलेशन टाइप होगा वो एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा। अब इसके अंदर आपको लेना है नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पर लिमिट आप कोई भी नहीं देंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए, और यहाँ पर आपको जो लेना है वो लेना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, इस पर एंटर प्रेस करिए। और ये जो हमारा डीए है वो किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तो वो बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हम बेसिक सैलरी लेंगे यहाँ पर, और यहाँ प्रेस करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। और इसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट अप टू, यानी यहाँ पर आप जो भी ये वैल्यू देंगे, जैसे मैं दे देता हूँ 35,000, यानी 35,000 तक अगर किसी की सैलरी हो तो यहाँ पर आप स्लैब टाइप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। मैं फिलहाल परसेंटेज रख रहा हूँ, और यहाँ पर रख लेते हैं हम मान लीजिए 8%, और यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए 5%। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये से ऊपर होगी तो उसको 5% का डीए मिलेगा, और अगर बेसिक सैलरी आपकी 35,000 रुपये तक होगी तो उसको 8% का डीए मिलेगा। तो इसे आप एंटर प्रेस करके सेव कर दीजिए। यहाँ पर एक और पेहेड बना लीजिए टीए का, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस का, और एंटर प्रेस करके आप इसे भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय दे दीजिए। और यहाँ पर आप फिक्स या वेरिएबल जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो हम यहाँ पर फिक्स रखेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर आप कैलकुलेशन टाइप में वापस एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, यहाँ पर वही सेम नॉर्मल राउंडिंग लेंगे, और यहाँ पर आप ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेंगे, और यहाँ पर आप लेंगे बेसिक सैलरी, ताकि ये भी हमारा जो टीए है वो भी बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, सेम वही वैल्यू दे देनी है। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू रखना चाहें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो हम वही वैल्यू देंगे वापस 35,000। और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद अब मैं आपको वैल्यू भी समझा देता हूँ, कि अगर मान लीजिए कि किसी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये तक है, तो उसको मान लीजिए जो कंपनी है वो टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस सिर्फ 1,000 रुपये देगी, और अगर किसी की बेसिक सैलरी मान लीजिए 35,000 रुपये से ऊपर है, तो उसको जो वैल्यू मिलेगी यानी उसको जो पेमेंट मिलेगी वो मान लीजिए 2,000 रुपये मिलेगी। तो इसको हम एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद टीए के बाद आप ले लीजिए एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। सेम इसी तरीके से आप इसको भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स या वेरिएबल जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से हम इसे ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पर आप ले लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक सैलरी, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर अमाउंट दे दीजिए आपको जो भी देना है, तो 35,000 दे दिया मैंने। परसेंटेज में आप जो भी रखना चाहें वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको भी हम बना करके एंटर करके सेव कर लेते हैं। एचआरए के बाद अब हम बनाएंगे पीएफ, तो हम यहाँ पर पीएफ लेते हैं। जो पीएफ होता है हमारा वो प्रोविडेंट फंड होता है, और ये बेसिकली हमारा डिडक्शंस होता है, यानी ये हमारी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, तो इसे हम रखेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ के अंदर। और इसके बाद हम इसे दे देंगे करंट लायबिलिटीज़, ये हमारी एक तरीके से लायबिलिटी होगी कंपनी के ऊपर, तो हम इसे करंट लायबिलिटी में रखेंगे। और उसको भी आप एंटर प्रेस करके एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग लेंगे, और वही फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, और स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी, यानी ये भी हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर ही डिपेंड होगा, तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं सेम वही वैल्यू दूंगा, और यहाँ पर परसेंटेज जो भी देना चाहें वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, वैल्यू या परसेंटेज। और इसके बाद बनाएंगे हम लोग ESI। ESI हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, ये भी एक तरह से डिडक्शन ही होता है। हम यहाँ पर इसे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय ही रखेंगे, और यहाँ पर रख लेंगे हम इसे करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करके यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग, और उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, सेम इसी तरीके से बेसिक सैलरी, और यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए अप टू, और इसके बाद यहाँ परसेंटेज या वैल्यू जो भी आप रखना चाहें वो अपने हिसाब से आप रख लीजिए, और उसके बाद इसे एंटर करके सेव कर दीजिए। यानी ESI भी हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे रिम्बर्समेंट, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रिम्बर्समेंट, तो इसे अंडर ऑफ रखेंगे हम रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉय के। तो मैं आपको बता दूं ये रिम्बर्समेंट होता क्या है। रिम्बर्समेंट बेसिकली जब भी हम
कंपनी के लिए पैसा अपनी जेब से लगाते हैं तो उसे रिइंबर्समेंट कहा जाता है, और ये पैसा हमें सैलरी देते समय कंपनी रिटर्न कर देती है। यानी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और वहां पर आपके पास पेमेंट जो कंपनी ने आपको दिया था वो कम पड़ गई और आपने अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च किया है, तो उसके बारे में आप कंपनी को इंडिकेट कर देंगे कि भाई इतना पैसा मेरी जेब से लगा है, तो वो पैसा जब कंपनी आपको सैलरी देती है तो उस समय आपको प्लस करके रिटर्न कर देती है, तो उसी को रिइंबर्समेंट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर रिइंबर्समेंट टू एम्प्लॉय रखेंगे इसको, और यहाँ पर हम इसे रखेंगे वेरिएबल क्योंकि रिइंबर्समेंट फिक्स नहीं होता, तो ये वेरिएबल होगा। और यहाँ पर हम इसे रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि कंपनी का ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके बाद हम इसे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर जो इसका कैलकुलेशन टाइप है वो एज यूजर डिफाइन वैल्यू ही लेना है, तो हम इसे एज यूजर डिफाइन वैल्यू लेंगे क्योंकि यूजर डिफाइन करेगा कि कितना रिइंबर्समेंट हुआ था, तो इसे एंटर करके हम सिंपल सेव कर देंगे। रिइंबर्समेंट के बाद अब आपको बनाना होगा एक बोनस। बोनस को आप डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यानी बोनस भी जो कंपनी में मिलता है वो भी अर्निंग होती है एम्प्लॉयज की, तो इसे हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, ये हमारा वेरिएबल होगा क्योंकि ये हमेशा बोनस नहीं मिलता, साल में एक बार मिलता है, और ये कंपनी का डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और इसके बाद हम इसे लेंगे, इसका जो कैलकुलेशन टाइप होगा वो हम रखेंगे फ्लैट रेट। यहाँ पर जो भी अमाउंट कंपनी डिफाइन करेगी वही अमाउंट हम यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर हम इसे फ्लैट रेट रखेंगे। और यहाँ से लेंगे हम इसे मंथ क्योंकि ये हमें मिलता कब है, मंथ में एक बार मिलता है, तो यहाँ पर मंथ ले लेंगे। वैसे तो ये हमें साल में एक बार मिलता है, तो जिस मंथ में हमें ये रिसीव हो रहा है वहाँ पर वही मंथ रखेंगे। और इसके बाद हम इसे नॉट एप्लीकेबल करके इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो बोनस के बाद अब हमारा बच गया लीव, तो हम लीव बना लेते हैं। और लीव जो होता है वो भी एक तरह से डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होता है, तो यहाँ पर हम इसे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय ही रखेंगे। और इसके बाद इसको हम लेंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर, और इसके बाद यहाँ से हम इसको एंटर करके नीचे आ जाएंगे, और यहाँ से आप इसे रखेंगे ऑन अटेंडेंस, यानी जो भी लीव आपका होगा वो अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ से हम लीव जो हमने अभी बनाया था हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे डेज, क्योंकि जो लीव होती है वो डेज के हिसाब से है, तो डेज ले लेंगे। अगर बंदा मंथ के लिए गायब है तो यहाँ पर मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर डेज लेकर के उसे ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ओवर टाइम। अब ओवर टाइम हमारा क्या होता है, तो ये बेसिकली अर्निंग होती है एम्प्लॉयज़ की, तो ओवर टाइम रखेंगे। अब ये ओवर टाइम हमारा फिक्स नहीं होता, तो इसलिए वजह से हम इसको वेरिएबल रखेंगे, और कंपनी का ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो इसलिए हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे इसको। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इसे आपको रखना है ऑन प्रोडक्शन के अंदर, यानी जब भी ओवर टाइम लगाओगे आप तो इससे कंपनी की प्रोडक्शन होगी, तो यहाँ पर हम इसे प्रोडक्शन रखेंगे और यहाँ पर ओवर टाइम रखेंगे, और यहाँ पर आप इसे नॉर्मल राउंडिंग या नॉट एप्लीकेबल रख के एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पेहेड्स। अब एक पेहेड हमारा लास्ट बचा है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट पेहेड है हमारा वो बनाएंगे सैलरी पेबल का। सैलरी पेबल बनाने के बाद इसे आप रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से आप ले लेंगे करंट लायबिलिटीज और इसको कर देंगे एंटर करके सेव। तो यानी पेहेड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप स्कैप करके एक बार पीछे आ जाइए। पेहेड्स कंप्लीट होने के बाद अब हमें वाउचर टाइप तैयार करना है, एक नया वाउचर क्रिएट करना है। तो यहाँ से हम वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर आप वाउचर को जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ वाउचर को सैलरी स्लिप, और उसके बाद इसे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आप ले लेंगे पेरोल को, ये अंडर ऑफ पेरोल के अंदर जाएगा, और यहाँ से आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसको आप नो ही रहने देंगे। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सैलरी स्लिप, और यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट लेकर के जो सैलरी पेबल का हमने पेहेड बनाया था आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। स्कैप करके आप पीछे आ जाइए। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पेहेड बचा है वो बचा है हमारा एम्प्लॉयज का। तो अब हम एम्प्लॉयज तैयार कर लेते हैं, एम्प्लॉयज में चले जाते हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले फर्स्ट एम्प्लॉयज का नाम लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं जैसे अमंग कुमार, ये हमारा एम्प्लॉय है। अब ये एम्प्लॉय अंडर ऑफ किसके जाएगा, तो यहाँ पर आप स्पेस दबाइए, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट का बंदा है अमन कुमार, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं मान लीजिए मार्केट डिपार्टमेंट। और यहाँ पर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, तो फिलहाल डेट ऑफ ज्वाइनिंग यही रहने देंगे। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको अपनी सैलरी डिफाइन करनी होगी, तो यहाँ पर हम इसे यस करेंगे। यस कराने के बाद आपको यहाँ पे लेना है बेसिक सैलरी, फिर बोनस लेना है, तो बोनस आपको बताना है कि बोनस कितना आपका लगेगा। तो यहाँ पर हम बोनस दे देते हैं लाइक 1000 रुपये, कि 1000 रुपये हमारा बोनस लगेगा। उसके बाद डीए, ईएसआई, एचआरए, लीव कितना डिडक्ट होगा, तो लीव दे दिया हमने मान लीजिए 500 पर डे के हिसाब से डिडक्ट होगा। ओवर टाइम कितना मिलेगा, तो 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलेगा। और उसके बाद पीएफ, रिइंबर्समेंट और टीए डाल करके हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय नंबर्स, तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं एम्प्लॉय नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद डेजिग्नेशन, यानी ये बंदा है कौन, तो हम दे देते हैं लाइक मैनेजर। और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन, वो काम क्या करता है, तो हम दे देते हैं मैनेजिंग।
और इसके बाद यहाँ पर लोकेशन किस जगह पे करता है तो हम दे देते हैं यहाँ पे संत नगर। और इसके बाद यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल है तो यहाँ पर आप ले लीजिए मेल या फीमेल जो भी लेना चाहें, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी फिल करनी चाहिए वो फिल कर सकते हैं आप। और यहाँ से आप इसका ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप इसका मदर या फादर नेम दे सकते हैं, तो हम यहाँ दे देते हैं दीपक कुमार। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद आप इसे स्पाउस नेम दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ मीनाक्षी। और इसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ उसका एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस दे दीजिए जो भी उसका एड्रेस है, तो मैंने यहाँ एड्रेस फिल कर दिया उसका। और उसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए, जो भी फोन नंबर है वो फोन नंबर एम्प्लॉयज का फिल कर दीजिए। और उसके बाद ईमेल आईडी अगर कोई है तो वो ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए, मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देता हूँ कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर इसे आप यस करिए। यस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर मांग रहा है, यानी जो भी उस एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट नंबर होगा यानी जो सैलरी है वो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, तो उसके अकाउंट की डिटेल पूरी देनी होगी आपको। तो यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं, जो भी आप देना चाहें वो फिल कर सकते हैं। आईएफएससी कोड दे दीजिए, तो मैं आईएफएससी कोड दे देता हूँ। और इसके बाद नीचे आप बैंक नेम दिखा सकते हैं, बैंक नेम दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसे बैंक नेम डाल दीजिए, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर SBI बैंक। और उसके बाद एंटर प्रेस करिए, यहाँ पर ब्रांच दे सकते हैं, तो ब्रांच मैंने दे दिया लाइक संत नगर। एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसे बताना है कि आपका जो सैलरी है वो किस तरह से आपको मिलनी चाहिए, चेक के थ्रू मिले, रिफंड ट्रांसफर हो या अदर, तो हम इसे दे देते हैं रिफंड ट्रांसफर। और उसके बाद ये पूरी डिटेल को ऑटोमेटिक यहाँ पर फुलफिल कर लेगा। तो यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना होगा, यहाँ पर ऑल आइटम्स रख लीजिए और यहाँ पर आप बेनिफिशियरी कोड डालना है वो डाल दीजिए। एंटर प्रेस करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए और इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए जो कि आपका 12 डिजिट का होता है, तो ये फिल कर देता हूँ मैं। एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर अपना पीएफ नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका पीएफ नंबर आपको कंपनी ने दिया हुआ है। और यहाँ पर अपना पीआर नंबर डाल दीजिए। और पीआर नंबर मैं आपको बता दूं होता क्या है, तो पीआर नंबर एक तरीके से आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है जो उन व्यक्तियों की पहचान कराता है जिन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS के अंतर्गत रजिस्टर किया होता है। तो यहाँ पर ये भी आपका जो नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है, तो फिल कर दीजिए और उसके बाद आप इसे एंटर प्रेस करके सेव कर दीजिए। अब ESI नंबर जो भी है आपका, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर जो भी है वो आप फिल कर दीजिए, जो कि आपको कंपनी ने दिया होता है वो भी फिल करके आप इसे एंटर प्रेस करके सेव करा दीजिए। तो हमारा अमन कुमार जो था उसकी पूरी डिटेल फिल हो चुकी है, तो एक एम्प्लॉय और क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, जैसे दीपक यादव, और उसको एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद उसको हम डाल देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर आपको अपनी डेट जो रखनी है वो वही सेम रखनी है, यानी उसकी जो भी ज्वाइनिंग डेट है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसे एंटर प्रेस करके सेव करा दीजिए। और यहाँ पर आपको डिफाइन सैलरी डिटेल यस कराना होगा, यहाँ पर आपको इसकी भी सैलरी डिफाइन करनी होगी। तो हम यहाँ पर लेते हैं बेसिक सैलरी, सेम उसी तरीके से बोनस, जो भी अमाउंट आपको देना है वो आप यहाँ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और यहाँ पर लीव का भी हम सेम वही रखेंगे अमाउंट, इसके बाद ओवर टाइम में हम वही रखेंगे अमाउंट, आप अगर चेंज करना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं अपने एम्प्लॉइज का। और यहाँ पर जो डिटेल है वो बिल्कुल आप उसी तरीके से फिल कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं फिल कर देता हूँ उसको फटाफट। इसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको जाना है स्कैप करके पीछे एम्प्लॉयज़ बनाने के बाद। अब हमें क्या करना है, अपने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स को मेंटेन करना है, तो इसके लिए अब हम चले जाते हैं स्कैप करके पीछे। यहाँ से जाइए आप वाउचर्स के अंदर, वाउचर्स में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रेस करना है F10 और यहाँ से आपको लेना है अटेंडेंस। अटेंडेंस लेने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका अमन कुमार और आपका दीपक कुमार शो हो गया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको जो डेट रखनी है वो मंथ की लास्ट डेट रखनी है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 31 मई 2021 की हम सैलरी बना रहे हैं, तो यहाँ पर मंथ का लास्ट डे रखेंगे और यहाँ पर हम इसके अटेंडेंस को कैलकुलेट करेंगे लास्ट डे। और यहाँ पर हम लेंगे अमन कुमार। अब अमन कुमार आपके कितने दिन लीव पर रहा है या कितने दिन ओवरटाइम पे रहा है, तो आप यहाँ से आप इसे फिल कर सकते हैं। मान लीजिए ये लीव पे रहा है 5 डेज और अमन कुमार ने ओवरटाइम कितना लगाया है, तो ओवरटाइम लगाया है मान लीजिए 45 आवर्स का। तो इसी तरीके से दीपक को ले लीजिए, दीपक जो लीव पर रहा है वो मान लीजिए 2 डेज लीव पर रहा है और इसने ओवर टाइम लगाया है मान लीजिए 25 आवर्स का, और इसको एंटर करके आप सेव कर दीजिए।
इसके सेव करने के बाद अब हमें अपनी सैलरी की डिटेल फिल करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F4। यहाँ से आपको लेना है सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप जो कि हमने वाउचर अभी तैयार किया था उसको हम लेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से ले लेंगे सैलरी स्लिप। इसके बाद आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ से आप देखेंगे एक आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑटो फिल का। अब यहाँ पर आपको यूज़ करना है ऑटो फिल, या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ फिल कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लेंगे पेरोल ऑटो फिल। पेरोल ऑटो फिल लेने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र्स को डिफाइन करेंगे जो हमने अभी पेहेड बनाते समय लिया था। तो यूज़र डिफाइन करेंगे, इस पर एंटर प्रेस करेंगे, जो हमारी सैलरी बन रही है वो 1/5/2021 से लेके 31/5/2021 की सैलरी हमारी बन रही है। हम एंटर कर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी ले सकते हैं। आप किसकी सैलरी बना रहे हैं, यानी कि हम सभी की सैलरी क्रिएट कर रहे हैं एक साथ। तो यहाँ पर ऑल आइटम्स लेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट बाय, यानी एम्प्लॉय नेम के हिसाब से शॉर्टिंग होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम ही रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको अमन कुमार की सैलरी देनी होगी कि उसकी सैलरी कितनी है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ लाइक 36,000 उसकी सैलरी है, और उसका रिम्बर्समेंट यानी उसने अपनी जेब से कितना पैसा खर्च किया था, तो मान लीजिए उसने 500 खर्च किया था। यहाँ पर दीपक यादव की जो बेसिक सैलरी है वो मैंने दे दिया 25,000, और इसने जो खर्च किया था वो 250 रुपीज़ खर्च किया था। और उसके बाद हम इसे एंटर करके सेव करा देंगे। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से ऑटोफिल पे क्लिक करना होगा, या तो आप ऑटोफिल कर दीजिए या कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पर आपको लेना होगा पेरोल ऑटोफिल वापस से, और यहाँ से अब आपको लेना है सैलरी। यानी अभी तक तो हमने यूजर्स डिफाइन कर दिया किसकी सैलरी कितनी है, तो और अब हमारी सैलरी बन जानी चाहिए। तो हम सैलरी ले लेंगे, सेम इसी तरीके से हमारी जो सैलरी बन रही है वो इस मंथ की बन रही है। इसको एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑल आइटम्स लेंगे और एंटरप्रेस करके यहाँ पर भी हम सेव करा देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सभी एम्प्लॉयज की सैलरी बन चुकी है, अब इसे आप एंटरप्रेस करके सेव करा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप सैलरी स्लिप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो स्कैप करके आप एक बार पीछे आ जाइए, यहां से आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहां से आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन आएगा आपका पेरोल रिपोर्ट। यहां पर आप जाकर के पे स्लिप यूज करेंगे। पे स्लिप के अंदर जाने के बाद आप किसका पे स्लिप निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं अमन कुमार का पे स्लिप देखना चाहता हूं, इस पे आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपका पे स्लिप बनके तैयार हो गया। आप देखेंगे जो हमने एम्प्लॉयज की डिटेल फिल की थी वो आपके सामने यहाँ नजर आ रही है, जिसमें उसका एम्प्लॉय नंबर, उसका फंक्शन, उसका डेजिग्नेशन, लोकेशन, बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद नीचे आप देखेंगे अटेंडेंस डिटेल्स के अंदर कि उस लीव कितने दिन रहा है, तो लीव रहा है 5 डेज। ओवर टाइम कितने दिन लगाया उसने, तो 45 आवर्स का उसने ओवर टाइम यूज किया है। और इसके बाद आप देखेंगे उसकी जो बेसिक सैलरी हमने बताई थी वो 36,000 बताई थी, और इसके हिसाब से जो उसका बोनस कैलकुलेट हुआ है, यानी हमने बोनस 1,000 रुपए दिया था, तो देखिए अब 1,000 रुपए शो कर रहा है। डीए जो था वो इस मंथली सैलरी के हिसाब से, यानी बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होकर के परसेंटेज जो हमने दी थी उसके हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई। इसी तरीके से आपका HRA आ गया, और अब आप देखेंगे ओवरटाइम, तो ओवरटाइम जो हमने बताया था 100 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिले, तो आप देखेंगे यहाँ 45 घंटे इसने काम किया तो 4500 रुपये इसका ओवरटाइम आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर रिम्बर्समेंट, तो इसने 500 रुपये अपनी जेब से खर्च किया था वो भी यहाँ पर देखिए ऐड हो गया। इसके बाद TA की अगर हम बात करें तो ट्रैवलिंग अलाउंस 2,000 रुपये इसका शो हो गया, जो कि हमने वहाँ पर सैलरी डिफाइन करते समय बताया था आपको। इसके बाद यहाँ पर इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो इन सबका टोटल यहाँ पर आपके सामने शो अप हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप डिटेक्शन इसका शो हो रहा है, तो डिटेक्शन में आप सबसे पहले देखेंगे ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इतना जो सैलरी था 36,000 रुपये, यानी टोटल कैलकुलेशन होकर के जो आपका यहाँ पर अमाउंट बना है 47,960 रुपीज़, अब उसके अंदर से ESI आपका 720 रुपये लेस हो गया। यहाँ से आप देखेंगे लीव, तो लीव आपका जो अमाउंट था वो 2,500 रुपये यहाँ पर आपका डिडक्ट हो गया, और उसके बाद अगर आप PF देखेंगे तो PF आपका यहाँ से डिडक्ट हो गया। तो उस हिसाब से डिडक्शन काटने के बाद जो सैलरी यहाँ पर बनी है वो टोटल बनी है 46,160 रुपीज़, यानी कि जो टोटल अभी सैलरी बन रही थी वो बन रही थी 47,960 रुपीज़, और यहाँ पर अब आप देखेंगे ये जो तीनों चीज़ें थी वो डिडक्ट होने के बाद आपकी जो सैलरी बची है वो बची है 46,160 रुपीज़। और अब आप देखेंगे यहाँ पर जो PF था वो 1,800 रुपये यहाँ पर इसका प्लस भी होकर के शो हो रहा है, और PF अगर लेस कर देंगे तो वो अमाउंट यहाँ पर देखिए माइनस हो गया। तो इसके लिए अब हम इसकी स्लिप किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से Alt+P, यहाँ पर आप करंट पे क्लिक करेंगे। करंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, और इसे अगर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद आप देखेंगे ये है इसकी सैलरी स्लिप। Alt+Z करिए अपने कीबोर्ड से जूम करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी सैलरी स्लिप तैयार हो गई है। आप यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेचर हो जाएगा और बाकी टोटल अमाउंट यहाँ पर देखिए वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ आ गया, और आपकी हर एक पॉइंट की डिटेल यानी हर एक चीज की डिटेल 1 by 1 यहाँ पर मेंशन, जैसा कि पेरोल में मैंने आपको दिखाया, और यही चीज यही हमारी पे स्लिप होती है।
तो ये था हमारा पेरोल। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।